कि हमारे देश का विकास तब होगा जब हमारे राज्यों का विकास हो, और राज्यों का विकास तब होगा जब स्थानीय स्तर पर विकास हो, और उसमें सबसे पहला हमारा गांव, उसके बाद हमारा क्षेत्र, उसके बाद हमारा जिला। यह है हमारा स्थानीय स्वशासन। इसी को सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था कहा है। क्या कहा? पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राज्य का विषय है। इसके साथ 73वां संविधान संशोधन हुआ था और 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। इसके अंतर्गत पंचायती राज के अंतर्गत 29 विषय आते हैं और इसे 243वें अनुच्छेद में दर्जा प्राप्त है। और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। ये तिथि याद कर लीजिए कि 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। लोगों का इसका उद्देश्य, लोगों को इसका महत्व समझ में आए, और जब पंचायती राज व्यवस्था को जब लोग समझेंगे तब लोग प्रधानी के चुनाव में वोट डालने में रुचि लेंगे, जिला पंचायती के चुनाव में वोट डालने में रुचि, कि आखिर ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण। जितना विधायक और सांसदी का चुनाव है उतना ही महत्वपूर्ण है पंचायती राज का चुनाव, यानी कि प्रधानी का और जिला पंचायती का चुनाव, क्योंकि ये हमारे स्थानीय स्तर पर हमारा विकास करते हैं। पंचायती राज से संबंधित कई सारी समितियां बनी थी। 1977 में बनी, सबसे पहले 57 में बनी बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, उसके बाद 1985 में JBK राव समिति बनी, उसके बाद 1986 में LM सिंघवी समिति बनी, 1962 में संथानम समिति बनी, संधानम समिति, सादिक अली समिति बनी, इतनी सारी समितियां बनी। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959। हमारा देश 1947 को स्वतंत्र हुआ और 2 अक्टूबर 1959 गांधी जयंती पर राजस्थान के नागौर में इसका शुभारंभ हुआ पंचायती राज व्यवस्था का। पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचा होता है। इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक, और जिला परिषद जिला स्तर पर। ठीक है, पंचायत भंग हो जाए तो 6 महीने के भीतर दोबारा चुनाव कराना होता। यदि प्रधान किसी गांव में नहीं है या किसी के कारण प्रधान नहीं है तो उस गांव में 6 महीने के अंदर चुनाव होगा। 6 महीने से अधिक समय नहीं, बिना पंचायत के नहीं चल सकता। इसके बाद पंचायती भंग होने मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं हुआ। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को ग्राम पंचायत में नेतृत्व करने का अवसर दिया गया, यानी कि अब प्रधानी में महिलाएं भी खड़ी होती, महिला प्रधान सीट होती है। उसमें 73वें संशोधन में 33% आरक्षण दे दिया गया। अगर 100 जगह प्रधान होंगे तो उसमें 33 जगह महिला प्रधान आरक्षित सीट होगी। तो ये पंचायत चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। 6 महीने के अंदर चुनाव होगा अगर सीट खाली हो जाए किसी कारण पर। तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसकी सरपंच की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, और पंचायती चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा और ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण के द्वारा लिया जाता। तो ये है पंचायत व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, जो कि महत्वपूर्ण